माननीय श्रीरामजी भोपळे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आता या त्यांच्यासाठी आपण टाळ्या वाजवू. धन्यवाद. या ठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी झालेला आहे. माननीय अध्यक्ष जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माननीय नितीन पाटील साहेब, महापरिषदेचे मुख्य अभियंता माननीय भोपळे साहेब, तसेच महावितरणचे मुख्य अभियंता माननीय खंदारे साहेब यांच्या या सर्वांच्या शहावर जिलानी शेख पदवी शेख जुनेद जिलानी बीटेक 32व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा या सभेचं महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार सहकारी पतसंस्था मर्यादित मराठवाडा औरंगाबाद या संस्थेला पाहता पाहता 32 वर्ष झाले आहे. या 32 वर्षाच्या आज लॉकडाऊनचं नेम आणि सहकार क्षेत्राने जी मुदत दिलेली आहे आणि त्या मुदतीमध्ये जी मर्यादा 200ची ठेवलेली आहे ते अधीन राहून सोशल डिस्टन्सचं पालन करून सॅनिटायझर सर्व काही आपण उपयोगात आणून आणि आपण या कार्यक्रमासाठी आपल्या या शहराचे नवे जिल्ह्याचे लोकप्रिय आदरणीय खासदार साहेब सन्माननीय सय्यद इम्तियाज जलील साहेब या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी उपस्थित आहे आणि उद्घाटक म्हणून जे की आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की मिनी मंत्रालयातून ज्याला जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणतात त्या मिनी मंत्रालयाचे सन्माननीय सीईओ आणि आपले सहव्यवस्थापकीय संचालक गोंदावले साहेब डॉक्टर गोंदावले साहेब आणि या कार्यक्रमासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील साहेब, मुख्य अभियंता महावितरण कंपनी सन्माननीय पूजा खंदारे साहेब, महापारेषणचे मुख्य अभियंता सन्माननीय श्रीराम भोपळे साहेब, व्यासपीठावर या केंद्रीय नेतृत्व आमचं जे सन्माननीय आर पी थोराजी ताराचंद कोलेमामा आपल्या राधेश्याम षडमल्लो आप या संस्थेचे चेअरमॅन तथा कोषाध्यक्ष कैलास गोरकरजी संतोष वाघमारेजी आणि या सूत्रसंचालन करणारे आमचे उपसचिटणीस संचालक सन्माननीय श्रावण कोंडुरकरजी आणि अध्यक्ष कैलास गोरकरजी, उपाध्यक्ष जय संतोष आहेर पाटील आणि सचिव विश्वभर लोखंडे पाटील, संचालक मंडळ तथा भगिनी संचालिका आज या कार्यक्रमासाठी मान्यवर सर्व आपण पत्रकार बंधू आणि या संस्थेचे सर्व सन्माननीय सदस्य सेवानिवृत्त आणि बाळ गोपाळ या सर्वांचं मनापासून महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार च्या सहकारी पतसंस्थेच्या या 32वी सर्वसाधारण वार्षिक सभेस आपण उपस्थित आहात. या सर्वांचं मनापासून स्वागत करू आणि यावेळेस प्रथमच आम्ही संघटनेचं कोणतंही निवेदन माननीय खासदार साहेबांसमोर ठेवलं नाही कारण की आज फक्त वार्षिक सभा आहे आणि वार्षिक सभा असल्यामुळे या संस्थेविषयीही बोललं पाहिजे कारण माननीय खासदार साहेब हे आपल्याला नेहमी आपल्यासाठी आमदार महोदय असल्यापासून किंवा सर्वात महत्वाचं की पत्रकारांमध्ये पत्रकार बंधू म्हणून जेव्हा जेव्हा या संघटनेच्या विषयी आम्ही आवाज उठवलं चाहे ते लोकमतमध्ये असतील, लोकमत टाइम्समध्ये असतील किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियामध्ये असतील, साहेबांनी निश्चितरित्या या संघटनेला नेहमीच संघर्षास किंवा लोकशाही मार्गास जो काही प्रश्न आम्ही मांडतो त्याला न्याय दिलेला आहे आणि आमदार महोदय म्हणून 5 वर्ष सुद्धा साहेबांनी सहकारी बँक नितीन पाटील सर, चीफ इंजिनियर्स
भुजंग खंदारे साहब श्रीराम भोपड़े से इस पर संस्था के अध्यक्ष कैलाश द्वारकर साहब जय संतोष शाहिर साहब विशंबर लोखंडे से और हमारे बहुत ही करीबी जहीरुद्दीन सिद्दीकी साहब मुझे आज 7 बजे अपनी पत्नी के साथ एक कार्यक्रम के अंदर जाना था और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आज क्या बहाना बनाऊंगा और अचानक फिर ये घोषणा की गई कि जो गिफ्ट्स बच्चों को और रिटायर्ड एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं उसमें से एक गिफ्ट जो है वो अतिथियों को भी दिए जा रहे हैं और बहुत अच्छी सी तालीम जो है वो मुझे भी दी जा रही है। मैंने सोचा कि चलिए आज का दिन तो निकल गया, पत्नी चाहे खासदार की हो या कामगार की हो उसको कैसे खुश रखना अगर समझ में आ गया तो जिंदगी निकल जाती है। लेट क्यों आए पूछने से पहले ही उसके हाथ में ये तोहफा दे दूंगा, मामला खत्म हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताना चाहूंगा, मेरा ये महाराष्ट्र राज्य बीज तांत्रिक कामगार संगठन या पद संस्था के साथ मैं समझता हूं कि आप 32 साल के हैं लेकिन मेरा आपके साथ संबंध 30 साल का है। मैं 1991 में लोकमत में एज अ रिपोर्टर बोलकर ज्वाइन किया था। इन 30 सालों के अंदर मैंने दुनिया बदलते देखा है लेकिन 30 साल पहले जहीर भाई जैसे थे और वो कैसे है मुझे समझ में नहीं आया। 5 साल के अंदर हमारा क्या हशर होता है ये नितिन पाटिल साहब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आपके अंदर ये ऊर्जा कहां से आती है और ये कला मेरे हिसाब से ये इस पर संस्था के अंदर ही है कि एक पत्र के नाम के ऊपर इतने बड़े बड़े दिग्गजों को आप जमा कर लेते हैं और उनमें ऐसे भी दिग्गज हैं जो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास से पैसा लो करके और एक हम है कि 2 साल से हमारी निधि ही बंद कर दी गई, इसलिए जहीरुद्दीन साहब ने अपने भाषण के शुरुआत के अंदर ये कह दिया कि हम खासदार साहब को कोई अपनी मांगनी का निवेदन देने नहीं वाले क्योंकि उनको खुद मालूम है कि मैं खुद मांगता फिर रहा हूँ प्रधानमंत्री से कि हमारी निधि शुरू करिए खासदार निधि। एक बात जो बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इसको आप पद संस्था कहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य बीज तांत्रिक कामगार सरकारी पद संस्था। मैं चाहूंगा जहीर भाई कि इसका नाम महाराष्ट्र राज्य बीज तांत्रिक कामगार परिवार रखे क्योंकि कोई परिवार का सदस्य ही अपने अपने सदस्यों के बारे में इतनी चिंता करता होगा कि कोई अगर मर गया किसी की जान चले गई तो उसके परिवार वालों की भी थोड़ी मदद होनी चाहिए। जिनके बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं जब अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं उनकी मदद करना। सोनिया बारावी चे पालकांनी गर्दी कमी करा फक्त पाल्याचा मात्र येतेच हाते त्यांचा सगळा इम्तियाज भाई दीजिए काम करो शहावर जिलानी शेख पदवी शेख जुनेद जिलानी बीटेक दीपक मधुकर साबरे श्रेया दत्तात्रेय धारे करण रखमाजी मांजरमे पालकानी मले येऊने पालकाने मध्ये येऊ नये कृपया।